जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सब? मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब परमात्मा की कृपा से संपूर्ण रूप से स्वस्थ और सुखद होंगे। मैं आज आप सबको रक्षाबंधन के इस पावन और पवित्र त्यौहार और कभी न टूटने वाला भाई बहन का यह अटूट प्यार का बंधन का त्यौहार रक्षाबंधन की आप सबको कोटि कोटि बधाइयां एवं हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, इस साल 11 अगस्त को भाई और बहनों बहन के बीच अनूठे प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। ये दिन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का त्योहार बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उनकी लंबी और सुखद जीवन की कामना करती है। साथ ही भाई से वचन भी लेती है कि वो उसके हर सुख दुख में शामिल होंगे और हर मुश्किल से बचाएंगे। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ कार्य ऐसे भी है जो हमें राखी के दिन नहीं करने चाहिए। तो आइए हम आपको बताते हैं कि रक्षाबंधन के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। मित्रों, अगर हम इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें तो हम निश्चित ही रक्षाबंधन का पूरा लाभ प्राप्त कर सकेंगे और अपने जीवन को खुशहाल और सुखमय बना सकते हैं। मित्रों, आइए हम आपको बताते हैं रक्षाबंधन पर हमें क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, रक्षाबंधन वाले दिन जब आप सुबह तैयार होते हैं तो उस दिन काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। काले कपड़े से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। जब आप भाई का टीका करती है तो ध्यान रखना है कि भाई का सिर रुमाल से ढका हो। एक बात का ख्याल और रखना कि भाई का चेहरा दक्षिण दिशा की तरफ ना हो। माथे के ऊपर जब आप चावल लगाते हैं तो ध्यान रहे कि चावल टूटे हुए ना हो, क्योंकि टूटे हुए चावल शुभ नहीं माने जाते। नंबर 2, जब आप अपने भाई की कलाई पर राखी या धागा बांधते हैं तो ध्यान रखना कि राखी या धागे की गांठ 3 होनी चाहिए। 3 गांठों की बहुत अहमियत है। पहली गांठ भाई की लंबी उम्र और सेहत के लिए बांधी जाती है। दूसरी गांठ भाई की सुख और समृद्धि के लिए बांधी जाती है। तीसरी गांठ रिश्ते को मजबूत करती है। ये 3 गांठें ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी संबोधित करती है। नंबर 3, आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए राखी के दिन भाई अपनी बहन के हाथ से एक गुलाबी रंग के कपड़े में अक्षत, सुपारी और 1 रुपए का सिक्का ले ले और इस कपड़े को अपनी तिजोरी में रख ले। उसके जीवन में आर्थिक समस्या कभी नहीं आएगी। नंबर 4, बहनें अपने भाई को नजरदोष से बचाने के लिए फिटकरी लें और उसे 7 बार अपने भाई के ऊपर से उतार कर फिटकरी को चूल्हे में जला दें, या इसके अलावा इसे चौराहे पर भी फेंक सकते हैं। ऐसा करने से नजरदोष दूर हो जाता है। नंबर 5, रक्षाबंधन के दिन देवताओं को राखी बांधने से आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाती है। इस दिन सबसे पहले भगवान गणेश को राखी बांधे। ऐसा करने से भाई बहन के बीच मनमुटाव दूर हो जाता है और आपस में प्रेम बढ़ता है। इसके अलावा हनुमान जी को राखी बांधने से जीवन में आने वाली समस्याएं, परेशानियां और संकट दूर हो जाती है। नंबर 6, रक्षाबंधन के दिन अगर आप बाल गोपाल और कुल के देवी देवताओं को रक्षा सूत्र बांधते हैं तो इससे परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। इनके आशीर्वाद परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहता है और उनकी तरक्की भी होती है। नंबर 7, रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों को, गुरुजनों को और माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि रक्षाबंधन के दिन इनका आशीर्वाद लेने से जीवन में उन्नति और दीर्घ आयु के साथ बल, यश और विद्या की प्राप्ति होती है। साथ ही आपको सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और हर असाधारण काम को करने की शक्ति मिलती है। नंबर 8, रक्षाबंधन के दिन अपने वाहन को भी रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से वाहन और आपकी सुरक्षा बनी रहती है और दुर्घटना की आशंका खत्म होती है। साथ ही वाहन की वजह से आपको कभी भी बीच रास्ते में मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 9, रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन को नजर नाराज ना करें और ना ही किसी भी स्त्री का अपमान करें। नंबर 10, इस दिन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधने से पहले रक्षा सूत्र की पूजन जरूर कर लें। नंबर 11, रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने से पहले तक बहनों को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए।
राखी बांधने तक उपवास पर रहने की परंपरा है, ऐसे भी भाइयों को भी राखी बांधवाने तक नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। मित्रों, अगर इन छोटी छोटी बातों को रक्षाबंधन के दिन ध्यान में रखा जाए और इस बातों को ध्यान में रखकर रक्षा बंधवाया जाए तो निश्चित ही रक्षाबंधन का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, क्योंकि मैं इस चैनल पर रेगुलर बेस पर हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी वेद शास्त्र की बातें, हिंदू धर्म की व्रत त्योहार के बारे में और वेद पुराणों में वर्णित सिद्ध और चमत्कारी मंत्रों के बारे में और देवी देवताओं के पूजा पाठ के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो डाल रखा हूँ। आप जाकर वहाँ उस वीडियो को देखें और उसका लाभ प्राप्त करें। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।